बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आमिर शुक्कूर। आज हम एफएफए का थर्ड मॉक डिस्कस करने लगे हैं और इसके बाद फिर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। तो आज ये हमारा थर्ड मॉक है। क्वेश्चन नंबर वन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, On 28 February 2023, the directors of ABC company signed the financial statement for the year ended 31 December 2022. On 2 March 2023, the audit report was signed. On 31 March 2023, the financial statement were authorized for issue and on 3 April 2023 were sent to shareholders. Which of the following are events after the reporting period according to IAS 10 events after the reporting period, assuming all events are material events? A flood at the company distribution warehouse on 26 February 2023, the sale of inventory at below cost, the notification of insolvency of a major customer, a fire at the company principal factory on 2 April 2023, 1 and 2, 1, 2, 3, 1 only and all of the event. ये हमारे पास जो सवाल है ये IAS 10 events after the reporting period से है, जिसमें हमने पढ़ा था कि year end, ये वो events हैं जो year end और when financial statements are authorized for issue. अब year end क्या है अगर हम देखें तो year end हमारे पास है 31 December 2022, and when financial statements were authorized for issue, it's 31 March 2023. इसके दरमियान के हमने इवेंट्स देखने हैं, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। तो पहला इवेंट देखें, कहता है फ्लड एट द कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन वेयरहाउस। हमें पहले पता है कि फ्लड या फायर से अगर कोई डैमेज हो जाए तो वो हमारे लिए नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है। ये तो पहला इवेंट ही नॉन एडजस्टिंग है। द सेल ऑफ इन्वेंट्री ऑन 1 March, तो इस पीरियड के दरमियान फॉल कर रहा है। तो हमने पढ़ा था सेल ऑफ इन्वेंट्री क्या होता है, एडजस्टिंग होता है। नंबर वन एक हो गया, टू आ गई ऑप्शन। फिर अच्छा नहीं, उसने एक और बात की हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। मतलब आपसे एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग नहीं कह रहा, इसके दरमियान कौन कौन से इवेंट्स आएंगे। तो पहला इवेंट कब आ रहा है, 26 February को, तो वो भी इसके दरमियान आ रहा है, बेशक नॉन एडजस्टिंग है बट इसके अंदर फॉल कर रहा है। दूसरा 1 March है तो वो भी फॉल कर रहा है। तीसरा 4 March है तो वो भी फॉल कर रहा है। और फायर हो रही है 2 April, तो वो इस दिन के बाद हो रहा है, तो इसका मतलब वो इस स्टैंडर्ड में फॉल नहीं कर रहा, वो एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट में नहीं आएगा। तो 1, 2 and 3, देखें इस सवाल में हमने क्या देखा कि नॉर्मली वो हमसे पूछता था एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग, और इसमें उसने पूछा कि इन डेट्स के दरमियान या इस स्टैंडर्ड के अंदर कौन से ऑप्शंस फॉल कर रहे हैं। तो हर वो चीज जो ईयर एंड के और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हो रही हैं ऑथराइज फॉर इशू, इसके दरमियान के जितने भी इवेंट्स हैं वो इसमें फॉल करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। कहता है बिजनेस बिगेन ऑपरेशन विद 200 इन द कैश टिल ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑल सेल्स वर कैश सेल्स एंड 42,000 वॉज बैंक्ड बिफोर मेकिंग एनी बैंकिंग सैलरी एक्सपेंसिस ऑफ 200 पर मंथ वर पेड फ्रॉम द कैश टिल एंड द ऑनर ऑल्सो विदड्रॉ 400 पर मंथ फ्रॉम द कैश टिल फॉर लिविंग एक्सपेंसिस द कैश इन द टिल एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर वॉज 300 व्हाट इज द कैश सेल्स फिगर फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशंस। तो अब यहाँ पे हमारे पास कैश का सारा डाटा दिया गया है, हमें कैश का लेजर बनाना होगा और हमें कैश सेल्स पता चल जाएंगी। कहता ओपनिंग कैश 200 था एट द एंड ऑफ द पीरियड 300 ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑल सेल्स वर कैश सेल्स, सारी सेल्स कैश सेल्स। तो यहां पे हमारे पास कैश सेल्स आनी चाहिए। कहता 42,000 आपने बैंक में डिपॉजिट करवाए,
आपके पास डेबिट बैंक क्रेडिट कैश 200 पर मंथ, आपने क्या किया है, सैंडरी एक्सपेंसेस किए हैं, तो 200 इंटू 12 तो आपके पास 2400 ये आपके सैंडरी एक्सपेंसेस आ गए। देन ड्राइंग्स हैं 400 पर मंथ, 400 इंटू 12 4800 ये आपके पास आ गई ड्राइंग्स। अब आप इस लेजर को बैलेंस करें, 42,000 प्लस 2400 प्लस 4800 प्लस 300 माइनस 200 तो आपके पास कैश सेल्स पता चल जाएंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं, एबीसी इक्विटी एट 1st जनवरी 2008 वाज एज फॉलोज, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 400,000 0.5 पर शेयर, नॉमिनल वैल्यू शेयर प्रीमियम 250, रिटेन अर्निंग 700। ऑन 30th जून 2008 देयर वाज 1-for-8 राइट इशू एट $1.1। द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेट टू एबीसी इक्विटी आफ्टर द राइट इशू, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। पहला क्या कहता है, द बैलेंस ऑन द शेयर प्रीमियम अकाउंट विल बी 310, 50,000 न्यू शेयर्स विल हैव बीन इशूड। चेक कर लेते हैं कितने शेयर्स इशू किए गए हैं, तो कहते हैं जी देयर वाज 1-for-8 राइट इशू। तो सबसे पहले हमारे पास जो कैपिटल है वो कितना है, कैपिटल है 400,000। मैंने आपको पहले बताया था डॉलर का साइन होगा तो शेयर कैपिटल होगा। अब हमने नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने हैं, कैसे फाइंड करेंगे, डिवाइडेड बाय 0.5 तो हमारे पास आ गया 800,000। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 800,000, हर 8 के बदले आपने एक शेयर दिया तो उसका मतलब आपने 100,000 शेयर इशू किए। और कितने में शेयर इशू किए, 1.1। अब इसमें से प्रीमियम कितना होगा, 0.6 और 0.5 किस में चला जाएगा, कैपिटल में चला जाएगा। तो प्रीमियम कितना आ जाएगा, 60,000। प्रीमियम कितना आ जाएगा, 60,000 और कैपिटल में कितना ऐड हो जाएगा, 50,000। तो अब हम रिक्वायरमेंट पे पढ़ लेते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, क्या कहता है, कहता है बैलेंस ऑन द शेयर प्रीमियम विल बी 310। तो ओपनिंग कितना था, 250 प्लस 60 310, 250 प्लस 60 310, तो ये हमारी ऑप्शन ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। फिर नेक्स्ट क्या कहता है, 50,000 न्यू शेयर्स विल हैव बीन इशूड, नो न्यू शेयर्स दैट वर इशूड वाज 100,000, द वैल्यू ऑफ दीज शेयर्स आर 50,000, नंबर ऑफ शेयर्स आर 100,000, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट मूव करें क्वेश्चन नंबर 4, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आइटम वुड बी एलोकेटेड टू फाइनेंस कॉस्ट इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। फाइनेंस कॉस्ट बतानी है, फाइनेंस कॉस्ट मींस इंटरेस्ट, रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड पेड। तो रिडीमेबल हमारा डेट होता है और डेट के ऊपर हम इंटरेस्ट या फाइनेंस कॉस्ट होती है, यस। ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड, नो। लोन नोट इंटरेस्ट पेड, यस। टैक्स एक्सपेंस होता है, तो कौन सी दो बातें आ गई, रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड पेड एंड लोन नोट इंटरेस्ट पेड आर फाइनेंस कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 5, फॉक्स कंपनी हैज एक्सट्रैक्टेड अ ट्रायल बैलेंस दैट डज नॉट बैलेंस, अ सस्पेंस अकाउंट विद अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1340 वाज ओपन, इट वाज डिस्कवर्ड दैट सेल रिटर्न ऑफ 500 वर करेक्टली ट्रीटेड इन द रिटर्न अकाउंट बट वर डेबिटेड टू पेएबल्स, आफ्टर करेक्टिंग द अबव एरर What should be the remaining credit balance on the suspense account? Opening suspense was 1340 credit. Then what happened? It was discovered that sale return of 500 were correctly treated. Sale return debit hoti hai. Aapne debit sale return ko kiya aur debit hi payables ko kar diya. To suspense kya ho gaya hoga? Credit. To jab theek karenge suspense kya ho jayega?
डेबिट हो जाएगा बाय 1000, तो अब आपके पास आंसर क्या आ गया, 340 क्रेडिट। इस तरह का आपके पास ऑप्शन मौजूद है, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, 5 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 6। मैजिक कंपनी हैड द फॉलोइंग शेयर कैपिटल इन इशू फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2024, 7% $1 इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, 5% $1 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, $1 ऑर्डिनरी शेयर्स। मैजिक को पेड ऑल द प्रेफरेंस डिविडेंड ओड एंड ऑल्सो पेड एन इंटरम डिविडेंड ऑफ 0.05 पर शेयर ड्यूरिंग द ईयर, वट शुड बी शोन एज डिविडेंड पेड इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो देखो, इरिडीमेबल को हम इक्विटी कंसिडर करते हैं और रिडीमेबल को इक्विटी कंसिडर नहीं करते। तो इरिडीमेबल कितने शेयर्स हैं जी, 30,000, 30,000 का 7% ले, और ऑर्डिनरी शेयर्स कितने हैं, 1,00,000 के, और उस पे आपने कितना दिया है, 0.05 पर शेयर। तो डिविडेंड पेड किस तरह आ जाएंगे, 100,000 मल्टीप्लाई बाय 0.05 एंड 30,000 मल्टीप्लाई बाय 7%। चेक कर लें तो आपको पता चल जाएगा, बाकी जो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं 30,000 के, उस पर 7% डिविडेंड है, और ऑर्डिनरी शेयर्स के ऊपर नंबर ऑफ शेयर्स भी, क्योंकि $1 का है, नंबर ऑफ शेयर्स 1,00,000 है, तो पर डॉलर आप कितना पे कर रहे हैं, 0.05, तो आपके पास टोटल डिविडेंड पेड आ जाएगा। यहाँ भी मैंने एक वैल्यू नहीं ली, रिडीमेबल प्रेफरेंस, क्योंकि रिडीमेबल जो होते हैं वो आपकी इक्विटी नहीं कहलाते, वो डेट कहलाते हैं, और डेट के ऊपर डिविडेंड नहीं होता, उसके ऊपर फाइनेंस कॉस्ट इंटरेस्ट होता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विच फोर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अकाउंटिंग रेशियोज आर करेक्ट, और ये सवाल वो है जो हर स्टूडेंट ने कहा कि उसे ये सवाल एग्जाम में आया हुआ था, तो उसी को हमने लिया है। कहते हैं विच फोर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अकाउंटिंग रेशियोज आर करेक्ट, दे आर यूजफुल व्हेन कंपेयरिंग अ बिजनेस रिजल्ट फ्रॉम वन ईयर टू द नेक्स्ट ईयर, गियरिंग विल इंडिकेट हाउ रिस्की अ बिजनेस इज, यस, इंटरेस्ट कवर विल गिव एन इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर और नॉट अ डिविडेंड विल बी पेड, नो, इंटरेस्ट मींस इंटरेस्ट विल बी पेड और नॉट, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन एनी कैलकुलेटेड अकाउंटिंग रेशियो इट इज सीन एज अ फेवरेबल, नो, हर इंक्रीज अच्छा नहीं होता, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, इसी तरह हर बड़ी हुई चीज फेवरेबल नहीं होती, जिस तरह गेयरिंग का बढ़ना अच्छी बात नहीं है। दे हेल्प द यूजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू फोकस अटेंशन ऑन सिग्निफिकेंट इश्यूज, यस, दे कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, एफिशिएंसी एंड पोजीशन ऑफ द कंपनी, यस, रेशियोज कैन बी अफेक्टेड बाय बिजनेस चॉइस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, यस, दे प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर इंटरप्रेटिंग कंपनी अकाउंट्स, नो। तो चार हमारी पहली चीजें पूरी हो चुकी थी, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। शुड द फॉलोइंग एरर्स बी हाईलाइटेड बाय द एक्सट्रैक्शन ऑफ अ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाने से ये एरर्स हाईलाइट होंगे या नहीं। रेंट पेड बाय चेक वॉज क्रेडिटेड टू द बैंक बट नो अदर एंट्रीज वर मेड, यस, हाफ एंट्री, पार्शल ओमिशन, तो पता चल जाएगा ट्रायल बैलेंस बनाने से। डिस्काउंट रिसीव वर क्रेडिटेड टू रिसीवेबल्स एंड डेबिटेड टू रेवेन्यू, डबल एंट्री पूरी है, तो जब पूरी है तो ट्रायल बैलेंस बैलेंस रहेगा, हमें ये एरर नहीं पता चलेगा, नो। क्वेश्चन नंबर 9, डब्ल्यू कंपनी परचेज सम प्लांट एंड मशीनरी ऑन 1st January 2021 एट अ कॉस्ट ऑफ $24,000, द प्लांट हैड एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 8 years एंड अ नील रेजिडुअल वैल्यू, At 31st December 2021, what are the balances on ledger account for plant cost and accumulated depreciation accounts? हमें different values दी गई हैं, तो cost हमारी 24 है, 24 ही रहेगी, और हमारे पास जो accumulated depreciation है वो credit हो जाएगी, कितने से credit होगी, 24 को आप जब 8 से divide करेंगे 3000 per year हमारी accumulated depreciation है, तो debit cost 24,000, credit accumulated depreciation 3000। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, सस्पेंस अकाउंट हेल्प टू आइडेंटिफाई एरर्स ऑफ ओमिशन, फॉल्स, अगर हमारी कंप्लीट ओमिशन है तो ट्रायल बैलेंस हमें नहीं बताएगी। सस्पेंस अकाउंट आर यूज्ड व्हेन एन
accounts preparer is unsure of an entry to be made. Yes, true. Question number 11. Which two of the following should be included in statement of profit and loss? Bank overdraft is a liability that should be reported in statement of financial position. Receivables, again assets in statement of financial position. Rent received, income in profit and loss. Drawings taken from the business in equity section of statement of financial position. Employee salaries, again this is an expense. Expense should be reported in statement of profit and loss. And capital introduced, again in statement of financial position. Question number 12. According to the definition of an asset in the IASB conceptual framework for financial reporting, which two of the following transactions would result in asset being recognized in J's accounts? J's father has given him a 5,000 cash contribution to his business with no obligation for J to repay in the future. Yes, this is an asset. J has ordered some item of inventory which has not yet been delivered. J has promised to pay 50 to Andrew for delivering goods to customer. Expense as selling expense. J has purchased an item of machinery which has been delivered and he agreed to pay in 3 months time. So ye bhi aapka asset hai, aapne ek cheez le liye, khareed liye, aapko mil gayi, aap payment baad mein karenge, to aapki credit transaction hai, but ye aapka non-current asset hoga. तो दो हमने एसेट देख लिए, एक जो जे के फादर ने उसे पैसे दिए और जो उसने रीपे नहीं करने बिजनेस में इन्वेस्ट किए वो भी उसके लिए एसेट है, और साथ ही साथ जो उसने मशीनरी खरीदी और जिस पे हमें फ्यूचर में उसने पेमेंट करनी. क्वेश्चन नंबर 13. इन अकॉर्डेंस विद आई एस टू इन्वेंट्री विच टू ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री. Work in progress inventory, cost of work in progress inventory, carriage inward, yes, settlement discount received, production labor, cost to complete. So settlement discount received nahi aayega, cost to complete nahi aayega, production labor and carriage inward, ye report hoga work in progress mein. Question number 14. Which of the following is the characteristics of faithful representation in accordance with the conceptual framework of financial reporting? So faithful mein kya aayega? Completeness. Question number 15. On 1st January 2006, C received a loan from his bank of 11,500. The loan is repayable in 5 equal installments starting on 1st January 2007. How much of the loan is shown as a non-current liability in C's statement of financial position as at 31st December 2006? अब देखिए, आपने एक लोन लिया है 12,500 का, आपने 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, और जो पहली इंस्टॉलमेंट है आज 31 दिसंबर 2006 है, तो पहली इंस्टॉलमेंट आपने ये जो पहले साल के अंदर अंदर जो कि नेक्स्ट डे आपने पे करनी है, तो इसका मतलब एक हिस्सा 1/5 इज करंट लायबिलिटी एंड 4/5 इज नॉन करंट लायबिलिटी. तो हमसे क्या पूछा गया है? नॉन करंट. तो नॉन करंट इज 4/5, जो हमने एक साल के बाद जो नेक्स्ट 4 पेमेंट्स हैं वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी. चेक कर लें, शायद 9200 बन रहा है. क्वेश्चन नंबर 16. P opening balance on the sale tax account on 1st July 2006 was 16,260 credit. During the month, the following transaction occurred. Cash of 12,600 was paid to taxation authority for tax owing, sale tax owing. Credit sales of 64,000 were made. Credit purchases of 65,800 were made. Sales and purchases are net of 17.5% sale tax. What is the credit balance on the sales tax account at 31st July 2006? तो देखें, ओपनिंग हमारे पास टैक्स 16260 लायबिलिटी थी. ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना पे किया? 12,600 पे किया, तो लायबिलिटी कम हो गई. लायबिलिटी का कम होना डेबिट. क्रेडिट सेल्स, सेल्स के ऊपर जो भी टैक्स होगा वो क्या होगा? वो भी क्रेडिट होगा. और परचेजेस हैं 65,800 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 17.5, तो ये भी हमारा डेबिट होगा.
तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, दो क्रेडिट वैल्यूज हैं, दो डेबिट वैल्यूज हैं, क्रेडिट क्रेडिट ऐड हो जाएगी, डेबिट डेबिट ऐड हो जाएगी, नेट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये सारी वैल्यूज क्या थी, नेट ऑफ टैक्स थी। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑपरेटिंग अ बिजनेस एज अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी आर ट्रू और फॉल्स। Different source of finances are more accessible for companies. Yes, true. The company has limited liability for its debts. Company financial statements are available for public scrutiny. Company ownership is transferable by selling shares. Yes. Question number 18. Are the following statements true or false? Journals are used to adjust ledger accounts. The journal book is used for posting all transactions which are not recorded in any of the other book of prime entry. Yes. Question number 19. Which of the following are advantages of the owner of an entity operating as an unincorporated business as opposed to an incorporated business? Legal separation of the entity from owner? Yes. Unlimited liability? No. Limited liability. So one only. Question number 20. B offers a 2% discount to its credit customer if payment is made within 20 days of purchases. Additionally, a trade discount of 10% of standard selling price is given if more than 100 units are purchased in 1 month. List price is 60 per unit. A customer buys 120 in September and was expected to take advantage of the settlement discount. The customer pays 15 days later. What is the total discount that the customer will receive? तो हमने देखा कि हम कितना डिस्काउंट देते हैं, 2%। अगर वो कब पेमेंट कर दे, विद इन 20 डेज कर दे, और ट्रेड डिस्काउंट 10% देते हैं अगर 100 से ज़्यादा चीज़ें लेगा। तो अब उसने कितने की चीज़ें ली हैं, 120 यूनिट्स खरीदे हैं, 60 प्राइस है, तो उसे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। वो डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट होगा, वो काउंट नहीं होगा। तो जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू है उस पे 2% लेंगे, तो वो हमारा डिस्काउंट एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, विच इज 129.6। क्वेश्चन नंबर 21। अ बिजनेस एक्वायर्ड अ व्हीकल ऑन 1st July 2006 फॉर 100,000 when it was estimated to have a useful life of 3 years and a residual value of 10,000. On 1st July 2007, it was considered that the estimated useful life will be extended by further 2 years, but there was no residual value at the end of the vehicle life. The business uses the straight line method of depreciation for all non-current assets. What is the depreciation charge for the year ended 30th June 2008? अब आपने एक asset खरीदा है कब? 1st July 2006 को। उसके बाद क्या हुआ, 3 ईयर लाइफ थी, और अब 20X7 पे उसने क्या कहा है कि इसकी लाइफ 2 साल मजीद एक्सटेंड हो चुकी है, और अब हमने जो न्यू रिमेनिंग लाइफ है उस लाइफ पे, और रेजुअल वैल्यू ज़ीरो हो गई है, न्यू रिमेनिंग लाइफ के ऊपर हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास इसकी डेप्रिसिएशन निकल आएगी। देखें, टोटल लाइफ अब हमारी हो चुकी है 4 ईयर्स। कितनी हो चुकी है, 4 ईयर हो चुकी है। हमने पहले 3 ईयर्स पे डेप्रिसिएशन की, हम डाटा में पहले आपकी आसानी के लिए लिख देता हूँ। हमने एक एसेट खरीदा 1 लाख का, लाइफ थी 3 ईयर्स, एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड रेजुअल वैल्यू थी 10, लाइफ थी 3, तो हमारे पास 30,000 डेप्रिसिएशन आ गई। अब उस एसेट की वैल्यू थी 70। अब उसने क्या कहा कि ये फर्दर 2 साल चलेगा, तो अब रिमेनिंग लाइफ 2 थी, तो 2 और 2 4 हो चुकी है, और उसने कहा है जो स्क्रैप वैल्यू वो 0 हो गई है, तो इसका मतलब अब 70,000 को डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तो दिस इज न्यू डेप्रिसिएशन। तो हमने पढ़ा था ये क्या है, चेंज इन एस्टिमेट। जब एस्टिमेट चेंज होता है तो हम नए एस्टिमेट पे कैरिंग वैल्यू को डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। Why would the following items be identified when preparing a bank reconciliation? It is on the bank statement but not in the cash book. A direct debit, an unpresented check. It is in the cash book but not on the bank statement. तो अब देखें, पहले मैं कह रहा है, it is on the bank statement but not in the cash book. Direct debit. Direct debit, हमने पढ़ा था जब variable amount हो जो हमने
क्या की है, पेमेंट करनी है, किसी को पेमेंट की है तो बैंक स्टेटमेंट में शो हो रही है बट कैश बुक में नहीं है, इसीलिए बैंक रिकंसिलेशन में हम उसे कैश बुक पे रिकॉर्ड करेंगे। और दूसरा उसने क्या बताया हमें, इट इज़ इन द कैश बुक। तो क्या चीज़ कैश बुक में होती है जो बैंक स्टेटमेंट में नहीं होती? अनप्रेजेंटेड चेक्स। क्वेश्चन नंबर 23, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ एन अक्रूड एक्सपेंस ट्रू और फॉल्स? नेट एसेट्स आर रिड्यूस, ट्रू। प्रॉफिट इज रिड्यूस, ट्रू। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि अक्रूड एक्सपेंस की डबल एंट्री क्या होती है, डेबिट एक्सपेंस, क्रेडिट लाइबिलिटी। जब हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे तो एक्सपेंस रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, प्रॉफिट्स रिड्यूस हो जाएंगे, और जब प्रॉफिट रिड्यूस होते हैं तो नेट एसेट्स भी रिड्यूस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू? सेल टैक्स इज कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द टैक्सेशन अथॉरिटीज, यस। सेल टैक्स आर इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द सेल टैक्स चार्ज, सेल्स आर इंक्लूडेड, नो, सेल्स आर नेट ऑफ टैक्स। सेल टैक्स कैन बी रीपेड टू अ बिजनेस बाय द टैक्सेशन अथॉरिटीज, यस। सेल्स आर इंक्लूडेड इन रिसीवेबल नेट ऑफ सेल टैक्स, नो, रिसीवेबल्स में ग्रॉस अमाउंट आती है। तो कौन सी दो चीजें ठीक थी, सेल टैक्स इज कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ टैक्स अथॉरिटीज एंड सेल टैक्स कैन बी रीपेड टू अ बिजनेस बाय द टैक्सेशन अथॉरिटीज। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी? देयर आर टू और मोर ओनर्स हु वर्क इन द बिजनेस एंड शेयर द प्रॉफिट बिटवीन देम बाय एग्रीमेंट, नो, दिस इज पार्टनरशिप। द ओनर और ओनर्स होल्ड शेयर इन द बिजनेस विच एंटाइटल देम टू वोट एंड जनरल मीटिंग, यस। द बिजनेस इज रिकग्नाइज इन लॉ एज सेपरेट एंटिटी, यस। क्वेश्चन नंबर 26, डब्ल्यू कंपनी हैज इनकर्ड द फॉलोइंग कॉस्ट इन रिलेशन टू इट्स न्यू प्रोडक्ट, द वेंडर, 6,000 इन जनवरी 20X5 टू एवेल्युएट टू पोटेंशियल प्रोटोटाइप्स ऑफ द वेंडर, 12,000 in Feb to test the technical feasibility, 25,000 in April for producing the first batch, 2,000 for registering the patent. What amount should be expensed as research cost? तो research cost क्या होगी? Research cost हमारे पास 6,000 जो evaluate कर रहे हैं और test कर रहे हैं technical feasibility बिफोर द सिलेक्शन ऑफ अ फाइनल मॉडल, ये दोनों 6 + 12 = 18,000 हमारे पास रिसर्च कॉस्ट है। 27, आई रिकॉर्ड हिज ट्रांजेक्शन इन हिज डे बुक, विच टू ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द जर्नल? जर्नल में हमने पढ़ा था हर वो चीज जो बाकी 6 बुक्स में नहीं आएगी वो जर्नल में आएगी। अ लार्ज परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल ऑन क्रेडिट, परचेज डे बुक। गुड्स सोल्ड दैट हैड बीन रिजेक्टेड एंड रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर, सेल रिटर्न डे बुक। The depreciation charge, journal, and increase in allowance, journal. Question number 28, which two of the following items should be treated as capital expenditure when accounting for the purchase of non-current asset? Annual insurance, expense, installation, capital expenditure, delivery, capital expenditure, maintenance, expense, recoverable. अगर non-recoverable होता तो ये क्या होता, asset बनता, और रिकवरेबल है तो ये एसेट नहीं बनेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस अ यूजर ऑफ द एनुअल पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी एंड द इंफॉर्मेशन दे वुड बी इंटरेस्टेड इन? एम्प्लॉइज आर इंटरेस्टेड इन डिपार्टमेंटल रिजल्ट फॉर प्लानिंग, नो, मैनेजर्स आर मोस्ट लाइकली इंटरेस्टेड इन डिपार्टमेंटल रिजल्ट्स। लेंडर्स आर इंटरेस्टेड इन द कंटिन्यूटी ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स, नो, लेंडर्स ने आपको लोन दिया हुआ है वो इंटरेस्ट या लोन की जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके लिए इंटरेस्टेड होंगे। कहते हैं गवर्नमेंट्स आर इंटरेस्टेड इन द प्रॉफिट दैट विल बी असेस्ड फॉर टैक्स, यस। कस्टमर्स आर इंटरेस्टेड इन डिविडेंड पेड, नो, कस्टमर्स को डिविडेंड पे नहीं किया जाता, शेयर होल्डर को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, एम इज अ स्मॉल बिजनेस विच इज प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2006। द पर्सनल अकाउंट of its only credit customer as contain the following information for the year: opening balance as at 1st January 2006, cash received, discount allowed, interest on overdue payment, contra, credit sales, return inward,
S is disputing 6700 of the item as he is arguing that the items were damaged on delivery. M decided to write this disputed amount off as an irrecoverable debt. What amount should M show as being owed by S at the year end? तो अब यहाँ पे आपको receivable ledger control account बनाना पड़ेगा. आपके पास opening balance receivable कितना है? Opening receivable is 24,500. Next, cash receipt 102,300. Then discount allowed 3,100. Then interest on overdue account 1,600. Contra 8,200. Then credit sales 133,700. Return inward 5,000, which is sales return. And next, irrecoverable 6,700. अब आप इसे balance कर लें, तो आपके पास ये closing balance आ गया. तो हमने बार बार बात की है कि आपने तीन मॉक्स में देखा है कि रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट तकरीबन हर मॉक में और एग्जाम में टेस्ट किया जा रहा है. इसी तरह पेएबल लेजर भी टेस्ट किया जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 31. In accordance with IAS 37, provisions, contingent liabilities and contingent asset, which two of the following items are used in the definition of provision? Provision ki humne definition padhi thi. Provision is a type of liability of uncertain timing or amount. To do cheeze uncertain hai, liability, matlab type of liability, to liability bhi aa raha hai aur uncertain timing bhi hai. Certain amount, no possible obligation, no possible obligation kahan pe hota hai? Contingent liability mein hota hai. To do cheeze kaun si hai? Liability and uncertain timing. 32. How will the following elements of the financial statement be affected by writing off an irrecoverable debt? जब आप irrecoverable को write off करेंगे तो assets कम हो जाएंगे और assets कम होंगे तो हमारा profit कम होगा. Profit कम होगा तो equity भी कम होगी. तो equity भी decrease होगी, asset भी decrease होगा, liabilities would be unchanged. Question number 33. When preparing the disclosure note for a provision, which of the following must disclose for each class of provision? Any uncertainty regarding the provision, the nature and the timing. तो हमने देखा था कि nature and the timing of the provision ये हमने disclose करना है. Question number 34. Which of the following lists include only items that would appear on the debit side of the accounts payable ledger control account? तो debit side payable की वो side है जहाँ पे payable decrease हो रहे होते हैं और payable कब decrease होते हैं. हमने चार reasons पढ़ी थी. जब हम cash pay कर दें, जब contra हो जाए, जब discount receive करें या जब purchase return हो. तो अब इसी तरह की देखते हैं, बैंक पेमेंट, गुड्स रिटर्न, कॉन्ट्रा. तो ये बातें उसने लिखी हुई हैं लास्ट पॉइंट पे. डिस्काउंट अलाउड आपको पता है रिसीवेबल लेजर में होता है, ये हो नहीं सकता. और परचेजेस, डिस्काउंट रिसीव, गुड्स रिटर्न, परचेजेस, डिस्काउंट रिसीव, कॉन्ट्रा. तो परचेजेस जो हैं वो दोनों क्रेडिट साइड पे होती हैं, तो परचेजेस वाली ऑप्शन भी एलिमिनेट होगी. तो लास्ट ऑप्शन बैंक पेमेंट, गुड्स रिटर्न एंड कॉन्ट्रा. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35. कहता है कंपनी बॉट एन एसेट ऑन 1st January 2024 फॉर 200,000. डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन अ रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस एट 20%. ऑन 1st January 2027 द एसेट इज रीवैल्यूड टू मार्केट वैल्यू ऑफ 250. हाउ मच शुड बी क्रेडिटेड टू द रीवैल्यूएशन सरप्लस एट 1st January 2027. तो आपने 20x4, 4 से 5 एक साल, 5 से 6 दो साल, 6 से 7 3 इयर्स. आपने ये एसेट कितने साल यूज किया है? 3 इयर्स इस्तेमाल किया है. और डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करेंगे आप? 20%, 20% रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस. तो आप चेक कर लें, तो 20% लें कितना बन गया? 40,000. फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन, सेकेंड ईयर की और थर्ड ईयर की आप फाइंड कर लें जल्दी से. नेक्स्ट ईयर की आ गई 32 और तीसरे साल की आ गई 25,600. इन सब को हम टोटल कर लें, 25,600 प्लस 32,000 प्लस 40,000, ये आ गया 97,600.
तो कॉस्ट हमारे पास है 200,000, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 96, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास कैरिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी, 102,400. अब ये एसेट इंक्रीज होके कितने पे आ चुका है, 250 पे. तो दोनों का डिफरेंस चेक कर लें, अब आपको पता चल जाएगा कि कितने से रिवैल्यूएशन हो रही है, 147,600. ये आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा. तो ये हमारा शॉर्ट में लास्ट क्वेश्चन था. अब हमारी नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी उसमें हम लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सेम उसी पैटर्न पे जो हमें एफएफए के एग्जाम में पूछे जाते हैं. और ये जितने भी हमने 3 मॉक डिस्कस किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं. अगर आप अभी पेपर देने लगे हैं तो इसमें से इन्हें ज़रूर अटेम्प्ट करें. इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपको रियल एग्ज़ाम में भी इंशाल्लाह नज़र आएंगे.